नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चल रही चर्चा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। एक देश एक चुनाव को लेकर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव निश्चित रूप से राष्ट्र हित में एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं 125 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस महत्वपूर्ण कदम का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सीएम धामी ने आगे कहा कि एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू। दिसंबर महीने में देहरादून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। इस दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। समिट के लिए देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों को स्थापित करने के लिए नियम कायदों में भी बदलाव किए गए। देखिए, चूंकि ये हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है और हमारे लिए चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी राज्य के लिए है कि इस इन्वेस्टमेंट समिट को चूँकि हम अच्छा बनाएं और जो हमारे सामने अवसर आया उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, और ये पूरे राज्य के हित के लिए है और राज्यवासियों के लिए है, इसलिए हमने कहा है कि सभी का ये पिछले वाली इन्वेस्टर समिट थी उसको हमने पूरी तरह छोड़ दिया या उसका भी कुछ हम कर रहे हैं आगे? नहीं, हम देखिए पिछले जो अनुभव हैं उन सभी का भी, जो उस अनुभव से जो चीज़ें मिली हैं उसको भी जो है अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। और उत्तराखंड के चमोली से खबर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। जिला चमोली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण भी किया। मसूरी गोलीकांड के 29वीं वर्षी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले शहीद स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के धर्मगुरुओं द्वारा पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने शहीद स्थल झूलाघर पर राज्य आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यकर्ता को दूर कर रहे सभी उत्तराखंड लोग हैं, जनता के लोग हैं, उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका नाम कैबिनेट द्वारा जिस परिकल्पना के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उस पर खरा उतरा है उत्तराखंड राज्य? नहीं, पूरी तरह से हम जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़े हुए हैं। आज आप देख लीजिएगा,
1,00,000 करोड़ रुपए के काम अभी तक केंद्र सरकार ने ही दे दिए हैं और इतने ही काम अभी पाइपलाइन में हैं। और NH हो, NHAI हो या फिर हमारे पावर कॉरपोरेशन के काम हो, कोई भी काम हो, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। अब आप देखिए, मसूरी से आप देहरादून उतरेंगे, देहरादून से 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। ऐसी ऐसी सड़कें बना रहे हैं और एक से एक नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। तो ये सब जब हमको राज्य मिला उसके बाद ही ये आज मिल रहे हैं। और हमारा राज्य इस समय विकास कार्यों में देश के जो पहले और दो और तीन जो प्रदेश आए हैं उसमें दूसरे नंबर पर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत तेज़ी से राज्य आज आगे चल रहा है। हम सबको हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली विधानसभा पहुंचे, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ग्वालदम हेलीपैड पर थराली विधायक भोपाल राम टमटा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने थराली विधानसभा के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया है और कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। क्षेत्र ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अभी एरियल सर्वे किया है और अब यहाँ चूंकि अधिकारियों से भी बात हुई है, जिला प्रशासन के लोगों से भी, हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और जो आपदा के हमारे प्रभावित हैं उन सभी को मदद हो, उनकी सहायता हो, क्योंकि इस बार की आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर भूस्खलन, मकानों का धसना, मकान टूट जाना, पुल टूट जाना, जनहानि, पशुहानि, फसलों की हानि हुई है और इस पर केंद्र से भी हमने बात की है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उस काम को हम लोग कर रहे हैं और लगातार जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, चूँकि बरसात जैसे ही समाप्त होती है पुनर्निर्माण और जो निर्माण से संबंधित काम है, मरम्मत के काम है, वो तत्काल करें। विजिलेंस की छापेमारी के बाद अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि बदले की भावना से सरकार ने ये विजिलेंस की रेड उनके मेडिकल कॉलेज में करवाई है। हरक सिंह का कहना है कि जो जनरेटर उनके कॉलेज में रखे हैं वे सरकारी हैं, उन्हें मालूम नहीं था क्योंकि कोविड के समय बहुत सी संस्थाओं में कॉलेज की मदद की थी। ऐसे में कौन सी चीज़ कौन दे गया भला उन्हें कैसे पता चलेगा? अगर विभाग या सरकार उनसे कहती तो वे जनरेटर वापस लौटा देते। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि वे मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें फिर सवाल उठाए। इसका त्रिवेंद्र रावत का मुझे तो ऐसे लगता है तभी तो घर बैठा हुआ, अब मुझे कहना नहीं चाहिए किसी के, तीरेंद्र रावत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उस आदमी उंगली उठा रहा है जो आदमी पाक साफ राजनीति करता है, तेरे तरह चोरों तरह राजनीति नहीं करता हूं। पहले अपने गिरेबान में देखे ना कि तूने पूरी जिंदगी में करा क्या है, तूने घर कहां से बना दिया, वो क्या सूर्य धार है क्या धार है उसकी, करा लेना जहां सीबीआई से करा लेना, केस मोहर के खातों की जांच करा लेना, अपने जो स्टाफ थे उनकी जांच करा लो ना, कहां से पैसा आया। और बहुत भला है ना त्रिवेंद्र रावत, बहुत ईमानदार है ना, करा लेते जांच अपनी सीबीआई से। पाप का घड़ा तो उसका भर गया, मैं आज बताऊं। अरे जिसका घर खुद कांच का हो तो उसे घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैंने तो आज तक उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अब उसने शुरुआत करी है। उन्हें जिंदगी में 1 रुपए का काम नहीं किया, कहीं गोलवेज सरकारी नौकरी करी, कहीं कुछ तनख्वाह प्यारो रहा 9-10 मोहमाना सिंह जी के साथ, तब 1-1.5 साल की जो प्यारो की तनख्वाह मिली वो मिली होगी इसको। 2002 में पहली बार विधायक हुआ, इसके अलावा ना कभी विधायक की तनख्वाह मिली, ना विधायक पेंशन मिली उससे पहले, ना कोई ठेकेदारी करी। एक बार एक ठेका करा था उसने कोटद्वार में, वो सिवर लाइन का वो करा था, राज जो बेचारा जो पत्रकार मर गया बेचारा उसका मिलके ठेका लिया था कोटद्वार सिवर लाइन का। आज तक उस सिवर लाइन पे सिवर नहीं चल रहा है,
इसके अलावा बता देना कि कौन सा काम करा उसने जिंदगी में। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक आज अपने कुमाऊं दौरे पर निकले। कुमाऊं दौरे निकलते समय वे कुछ समय के लिए वह मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी काशीपुर के गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने मिशन 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो कुमाऊं का दौरा है वे हमारी रगों में बसता है। कुमाऊं में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो कुमाऊं का दौरा है, कुमाऊं तो हमारी रगों में बसता है और बहुत लंबे समय से हो गया था कि कुमाऊं का दौरा नहीं, तो इसलिए इधर कुमाऊं का दौरा हो रहा है। स्वामी यतीश्वरन जी इस जिले के प्रभारी मंत्री के नाते भी थे। अभी हम लोग आज तो बाजपुर तक जाएंगे और उधर से जसपुर में रुकते हुए सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जा रहे हैं। और कुमाऊं का जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से कुमाऊं की सड़कें से लेकर के अब हवाई मार्ग से लेकर के और रेल मार्ग से लेकर, जिस तरीके से G20 के कार्यक्रम से लेकर के और भारतमाला परियोजना से लेकर के और संस्कृति के केंद्र के विकास के रूप में जो काम कुमाऊं में हो रहा है, शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और इसलिए कुमाऊं बहुत सशक्त हो रहा है, मेरा पूरा उत्तराखंड सशक्त हो रहा है। जो अटल जी ने कहा था कि मैं ऐसा उत्तराखंड चाहता हूं जिसको देखने के लिए भी दुनिया तरसे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जो अटल जी ने बनाया है उसको मैं संवारूंगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सज रहा है, संवर रहा मेरा उत्तराखंड। और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में एक मॉडल स्टेट बनने की ओर बहुत तेजी से। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदाम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्मार्ट क्लासेज निरीक्षण करने के साथ ही छात्र छात्राओं से सीधा संवाद कर सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ की जानकारी मिली। मंत्री धन सिंह ने छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या उन्हें सरकार की साइकिल योजना का पैसा उनके अभिभावकों के खातों में पहुँच रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ के विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बार बार जो है मुख्यमंत्री जी को और मुझको भी मिलते रहे, और अब थराली को हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। यहाँ पे अब सारी सुविधाएं हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड से लेके सीटी स्कैन मशीन से ले, अब यहाँ का कोई भी मरीज रेफर नहीं होगा और एक साल में हमारा हॉस्पिटल बन के भी तैयार हो जाएगा। आज मैं जमीन भी देखने जा रहा हूँ। दूसरा, जो देवाल डिग्री कॉलेज था उसकी भी भूमि का चयन हो गया है, और विधायक जी के कहने पे मैंने 5 करोड़ रुपये जो है वहाँ के बिल्डिंग के लिए भी दे दिए हैं। तलवाड़ी कॉलेज के लिए भी आज हमारे विधायक जी ने और यहाँ की जनता ने कहा है कि लगभग 50 लाख रुपए और चाहिए वहाँ, तो मैं 60 लाख रुपए और दे दूँगा यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास पैसे की भी दिक्कत नहीं है, और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो भी बातें हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजन संबंधित लोगो और वेबसाइट लॉन्च किए। इस मौके पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव उद्योग समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों और मीडिया से भी अनुरोध किया कि वे आयोजन राज्य सरकार का नहीं बल्कि उत्तराखंड के जन जन का आयोजन है। इस आयोजन को लेकर बेहतर बातचीत हो, लोगों को निवेश के लिए आकर्षित आमंत्रित किया जाए, ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। आज लॉन्च हो गई है, सभी इंडस्ट्रियल समूह के लोगों को आज ये शेयर कर दी जाएगी। आने वाले समय में आपको मीडिया के माध्यम से भी इसका पूरा प्रचार प्रसार मिलेगा। केवल वेबसाइट पर आप लॉग इन करके सारी इंफॉर्मेशन उसमें है कि आपको किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करना है, हमारे इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, जैसे हेल्थ का सेक्टर हो गया, वेलनेस का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, टूरिज्म का हो गया, उसमें कौन कौन सी हमारी नई पॉलिसी आई है, उसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं, उस पॉलिसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका अलग से फॉर्म उसमें डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस बार एक और नया प्रयास शुरू किया है कि हम
25 अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक रखेंगे निवेश मित्र। इनका काम होगा, ये यंग बच्चे होंगे, कि आप अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उन बच्चों को उनके साथ अटैच करेंगे। उनका काम है कि वो जिसने अप्लाई किया है उसके घर तक जाकर सारी औपचारिकताएं पूर्ण करावाएं और कराकर विभाग में आकर बतावाएं कि सब ये फॉर्मेलिटीज होनी है, तो वो विभाग और प्राइवेट व्यक्ति के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे। पूरा प्रयास है। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सांसद अजय टमटा ने बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। सांसद अजय टमटा ने बागेश्वर उपचुनाव में पार्वती दास के दोगुने मार्जिन से जीत का दावा किया है। सांसद ने कहा कि डबल इंजन के विकास के चलते बागेश्वर में इस बार 28 से 30 हजार वोटों से कमल जीतेगा। विधानसभा उपचुनाव के साथ सांसद अजय टमटा ने आगामी लोकसभा चुनाव में भी जीत का दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भी अल्मोड़ा सीट में कमल खिलेगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग शिक्षा में बेहतर परिणाम के लिए काफी हद तक प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे को भी सम्मिलित किया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा पद्धति पर अगर नजर डाली जाए तो आमतौर पर देखा जाता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चे बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, सामान्य गणित को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। इनको भाषा का ज्ञान भी काफ़ी कम होता है। ऐसे में सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो जो भाषा है और गणित है, कम उम्र के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना FLN प्रोग्राम का लक्ष्य है। उसके लिए पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है ताकि मातृभाषा में बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाया जा सके, उसको लेकर के हमारा कार्यक्रम है। और उसको हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी इसमें जोड़ा है ताकि कोई भी ऐसा बच्चा हमारे प्रदेश में न छूटे जो मूलभूत रूप से भाषा और गणित में दक्ष न हो। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बजरंग सेतु तैयार हो जाएगा। भारत का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु जल्द पर्यटकों के लिए तैयार होगा। बजरंग सेतु का निर्माण कार्य 70% पूरा हो चुका है और 30% सिविल कार्य बाकी है। बजरंग सेतु की सुंदरता बढ़ाने के लिए पुल के दोनों ओर कांच के फुटपाथ बनाए जाएंगे। 92 साल पुराना लक्ष्मण झूला पुल को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था। लक्ष्मण झूला पुल के पास ही बजरंग सेतु का निर्माण कराया जा रहा है। उत्तराखंड के कुशीनगर में मोहल्ला अली खां वासियों ने आरोप लगाया है कि मंगल माली और जगदीश माली के बगीचे से पहले में हुई बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण यहां पर बने मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। इसी के साथ ही इस समय डेंगू अपने पैर पसारे हुए हैं, जिस कारण यहां पर डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच बगीचे के पास से स्कूली बच्चे भी निकलते हैं। यहां पर जहरीले सांप और कई प्रकार के जहरीले जीव जंतु निकलते हैं, जिससे लोगों में भय है। बहुत परेशानी है, यहाँ पर सांप निकल रहे हैं, 3-4 सांपों की तो चीले लेके उठा के यहाँ से। एक सांप यहाँ पड़ा है मौजूदा हालत में, देख लो आने का क्या है। और जंगल इतना बड़ा है कि इसमें शेर दुबक जा, क्या है क्या इसमें चोर दुबक जा, जब सांप संजीदा आ जाए तो हमें लोग बहुत खतरा है। और इधर स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, उनके लोग बहुत खतरा है। इस खतरे को आप हमें समस्या हल करें। इसका पानी से हमारे मकान बैठे जा रहे हैं, 8-10 मकान बैठ गए हैं, क्रैक हो गए हैं। इनका मायना करो और इसकी इंक्वायरी करो, कौन किसकी जिम्मेदार होगा, कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा इसकी। हम लोग कहाँ जाएँ, क्या किसी परेशानी में उठा में। हाँ जी,
जो हमने लेटर दिया था नगर निगम में उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक, कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। निगम में तहरीर दी थी यहाँ पर जो है बरसात का पानी भर जाता है और सांप बिच्छू तमाम तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े निकलते हैं जिससे कि यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो स्कूल के बच्चे आए दिन यहाँ से निकलते रहते हैं और आपने देखा कि यहाँ पानी भरा हुआ है। निगम में तहरीर देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कितना दोनों साइडों में पानी भरा हुआ है काफ़ी, और यहाँ पर जो है सांप भी मरा हुआ है पड़ा है, बच्चे देख के डर भी रहे हैं और यहाँ पर निकलने वाले लोग देख कर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और तमाम तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ निकलते हैं और यहाँ पर आसपास घरों में जो है इसका पानी जो है चला जाता है और कीड़े मकोड़े भी जो है घरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिससे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ विभिन्न सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के अलावा दुकानदारों के आह्वान पर रामनगर बंद किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर सरकार और कोर्ट दोनों ने शक्ति का लहजा अपनाया हुआ है। प्रदेश के साथ साथ रामनगर में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है जिसको लेकर स्थानीय लोग और व्यापारी बेहद नाराज है। नाराजगी और विरोध प्रदर्शन करते हुए पीड़ित लोगों के साथ सामाजिक संगठनों और दुकानदारों ने लखनपुर से बाजार तक एक जुलूस निकाला जिसके बाद सभी लोग रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिम वन प्रभाग के कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया। शहर में आबकारी विभाग ने दो स्थानों पर महंगी ब्रांड की शराब बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की अनुमति दी है जिसमें से एक डिपार्टमेंटल स्टोर बैराज कॉलोनी में खुल चुका है जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपकर डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद करने की मांग की है, वही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित होकर SDM कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, मौके पर SDM को ज्ञापन भी सौंपा। अपने उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत, देखते रहिए NV News। नमस्कार।